हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए संस्कृत की एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सबको संस्कृत में घर के हिस्सों के नाम बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको संस्कृत के ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि संस्कृत में घर को क्या कहते हैं। संस्कृत में घर को गृहम कहा जाता है। तो आइए अब जानते हैं घर के हिस्सों के नाम। पहला है आंगन यानी कर्टयार्ड, और संस्कृत में इसे प्रांगणम कहते हैं। नेक्स्ट है कमरा यानी रूम, और इसे संस्कृत में कक्षा कहा जाता है। अगले घर के हिस्से में आता है खिड़की यानी विंडो, और इसे संस्कृत में गवाक्ष या वातायनम कहते हैं। अगला है दरवाजा यानी डोर, और इसका संस्कृत होता है द्वारम द्वारम। अगले घर के हिस्से में है छत यानी रूफ, और इसका संस्कृत होता है छदिह छदिह। अगला है छप्पर यानी थैच, और इसका संस्कृत होता है छदिह छदिह। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अगले घर के हिस्से में है सीढ़ी यानी स्टेयर, और इसका संस्कृत होता है सोपानम या निःश्रेणी। अगला है महल यानी पैलेस, और पैलेस को संस्कृत में भवनम कहते हैं। अगला है अलमारी यानी कबर्ड, और इसका संस्कृत होता है काष्ठ मंजूषा। अगला है बिस्तर यानी बेड, और इसका संस्कृत होता है आस्तरम आस्तरम। अगला घर का हिस्सा है चार दीवारी यानी बाउंड्री वॉल, और इसका संस्कृत होता है प्राकारः। अगला है फाटक यानी गेट, और इसे संस्कृत में बहिर्द्वारम कहते हैं बहिर्द्वारम। नेक्स्ट है अतिथि गृह गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस को संस्कृत में अतिथि गृहम कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है बरामदा पोर्च, इसे संस्कृत में अलिंदम कहते हैं अलिंदम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।